तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट वेजिटा से, जहाँ पर किंग वेजिटा अपने बेटे प्रिंस वेजिटा के पैदा होने पर काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है, मेरा बेटा इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा और फिर हम सब उस फ्रीजा को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देंगे। इसके बाद सभी डॉक्टर किंग वेजिटा के पास आते हैं। महाराज, वेजिटा की ताकत तो एक नॉर्मल सैयन से बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद किंग वेजिटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है, मुझे पता था मेरा बेटा राजकुमार प्रिंस वेजिटा इस पूरे सैयन जाति में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और वो एक लेजेंडरी सैयन होगा। इसके बाद फिर डॉक्टर्स कहते हैं, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, वेजिटा ही वो लेजेंडरी सैयन है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे। सबको लगता था कि लेजेंडरी सैयन एक सिर्फ कहानी है, लेकिन अब ये कहानी आखिरकार सच होने वाली है। फिर किंग वेजिटा कहता है, चलो जल्दी चलो, मुझे अपने बेटे को देखना है। फिर किंग वेजिटा वेजिटा के पास जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एक कैप्सूल में होता है। फिर किंग वेजिटा उसे देख करके कहता है, देखो देखो, ये मेरा बेटा है प्रिंस वेजिटा, जो कि उस मॉन्स्टर फ्रीजा को खत्म करेगा और इससे ज्यादा ताकतवर इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं होगा। फिर किंग वेजिटा उन डॉक्टरों से कहते हैं, तुम सब ये बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रिंस वेजिटा के बारे में फ्रीजा को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे तुम? क्योंकि अगर उस बेवकूफ को सब कुछ पता चल गया तो वो मेरे बेटे को खत्म कर देगा। फिर एक सैनिक आकर के किंग वेजिटा को बोलता है, महाराज लॉर्ड फ्रीजा इधर ही आ रहे हैं। फिर किंग वेजिटा कहता है, क्या नहीं, उसे प्रिंस वेजिटा के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, अगर उसे वो पता चल गया तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। तुम सब ध्यान से सुनो, जल्दी से प्रिंस वेजिटा को किसी अच्छे जगह पर छुपा दो, किसी भी हालात में फ्रीजा को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? फिर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा फ्रीजा से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। लॉर्ड फ्रीजा, आपका यहाँ पर स्वागत है। माय लॉर्ड, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इस पर फ्रीजा कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे प्लेनेट पर बहुत सारे सैयन बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से कुछ सैयन ऐसे भी हैं जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। किंग वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, कहीं इसे वेजिटा के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेजिटा तो एक सेफ जगह पर है, फ्रीजा को उसके बारे में शायद नहीं पता। फिर फ्रीजा किंग वेजिटा से पूछता है, तो मुझे बताओ आखिर वो सैयन कहाँ है? इस पर किंग वेजिटा कहता है, नहीं नहीं लॉर्ड फ्रीजा, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है, आपको तो पता ही है सैयन के बच्चे आखिर कितने कमजोर होते हैं। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, अच्छा तो ये बात है। इसके बाद फिर फ्रीजा अपने सैनिक से कहता है, सुनो मुझे वो स्काउटर ला करके दो। इसके बाद फिर फ्रीजा वहाँ पर कुछ बच्चों को सर्च करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा के स्काउटर में एक बच्चा आ जाता है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस पर फिर फ्रीजा कहता है, वाह इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अब नहीं रहेगा, बेचारा बच्चा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा उस बच्चे पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा फिर से सर्च करने लगता है और फिर से फ्रीजा को एक बच्चा मिलता है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। फिर फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि सैयन बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है? फिर किंग वेजिटा मन ही मन कहता है, लगता है इन बेवकूफों ने उन सभी बच्चों को वहाँ पर रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये बेवकूफ फ्रीजा मेरे बेटे प्रिंस वेजिटा को भी खत्म कर देगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, मानना पड़ेगा सैयन बच्चे इतने ताकतवर भी होते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं इन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये कहकर फ्रीजा उस पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद फिर फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करोगे, क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना किंग वेजिटा, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। किंग वेजिटा चुपचाप फ्रीजा की बातों को सुनता रहता है। फिर फ्रीजा बोलता है, चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा। इसके बाद फिर फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर किंग वेजिटा बाकी सबसे बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम सभी बेवकूफ, तुम सब ने प्रिंस वेजिटा को वहाँ पर क्यों छुपाया था? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को वहाँ पर कुछ हुआ,
तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फिर किंग वेजिटा के सैनिक कहते हैं, शांत हो जाइए महाराज, हमने प्रिंस वेजिटा को बहुत ही सेफ जगह पर रखा है। इसके बाद फिर किंग वेजिटा कहता है, क्या सच में? लेकिन कहाँ पर? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। फिर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा जल्दी से वेजिटा के पास जाता है। वेजिटा किसी दूसरी जगह पर बिल्कुल सेफ होता है और किंग वेजिटा वेजिटा को सेफ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार तुम ठीक हो वेजिटा, मुझे तुम्हें सुरक्षित देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आखिरकार मैंने तुम्हें उस मॉन्स्टर फ्रीजा से बचा ही लिया, और ये बड़ा होकर के उस बेवकूफ फ्रीजा को जरूर मारेगा। अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी और प्लेनेट पर भेज दूंगा ताकि तुम्हें फ्रीजा कभी ढूंढ ना सके, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन रुको जरा, मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। फ्रीजा ने उन दो बच्चों को मारा, उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन तुमने तो कहा था मेरा बेटा लेजेंडरी सैयन है, तो वो दोनों कौन थे जिसे फ्रीजा ने मारा? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हमने सभी बच्चों की ताकत मापी थी, कोई भी बच्चा प्रिंस वेजिटा के आसपास भी नहीं था। इसके बाद फिर किंग वेजिटा थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? फ्रीजा ने तो कहा था कि वो दो बच्चे काफी ज्यादा ताकतवर थे। खैर जाने दो, तुम सब ध्यान से सुनो, तुम्हें प्रिंस वेजिटा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करनी है। इसका काफी खास ध्यान रखो, इसके लिए एक खास चैम्बर तैयार करो। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मुझे इसे छुपा कर ही रखना होगा, क्योंकि फ्रीजा की नज़र इस पर पड़ी तो वो इसे खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं सभी डॉक्टर वेजिटा के लिए एक खास चैम्बर का तैयार करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हमें बारडॉक का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए गया हुआ था। और हम देखते हैं कि बारडॉक वहां पर आराम कर रहा होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो अपने बेटे कैकारोट के बारे में सोचता है, जो कि काफी ज्यादा छोटा और काफी कमजोर था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें कैकारोट को दिखाया जाता है, जो कि एक हेल्थ चेंबर में होता है। उसके आसपास कुछ डॉक्टर होते हैं और वो बोलते हैं, जरा ये देखो, ये है बारडॉक का बेटा कैकारोट, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैंने इससे पहले इतने कमजोर सैयन को कभी नहीं देखा। फिर दूसरा डॉक्टर बोलता है, हे, क्या तुमने किंग वेजिटा के बेटे के बारे में सुना? वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और किंग वेजिटा ने उसे काफी खास जगह पर रखा है ताकि वो बड़ा होकर के उस मॉन्स्टर फ्रीजा को मार सके। उसके बाद फिर हम देखते कि उन डॉक्टर को बहुत ही अजीब चीज फील होती है। फिर हम देखते कैकारोट रोने लगता है और वो दो डॉक्टर कैकारोट के सामने जाते हैं। फिर दूसरा डॉक्टर बोलता है, अरे जरा इसे देखो, इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है, इसकी ताकत तो बहुत कम थी ना, तो ये इतना ताकत कैसे निकाल सकता है? वो दो डॉक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी कुछ देर पहले ये सैयन की ताकत बहुत कम दिख रही थी, लेकिन अचानक से ये कैसे बढ़ सकता है? फिर डॉक्टर्स बोलते हैं, ये सैयन तो काफी कमजोर था, इसकी ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि कैकारोट की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वो स्काउटर अचानक से फट जाता है। ये देख करके वो दो डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें ये बात किंग वेजिटा को बतानी चाहिए। और फिर वो दोनों इसके बाद किंग वेजिटा के पास जाते हैं और फिर वो दोनों किंग वेजिटा को बोलते हैं, महाराज आपको इस बच्चे को देखना चाहिए। फिर किंग वेजिटा कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। इसके बाद फिर वो डॉक्टर बोलता है, महाराज इस बच्चे की ताकत आपके प्रिंस वेजिटा से भी ज्यादा है। इसके बाद फिर किंग वेजिटा कहता है, क्या अब ये कौन है? इसके बाद फिर डॉक्टर्स कहते हैं, वो हमारे सेना कमांडर बारडॉक का बेटा है। इसके बाद फिर किंग वेजिटा कैकारोट के पास जाता है और बोलता है, क्या ये वही बच्चा है? मुझे तो ये काफी ज्यादा कमजोर दिखता है और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके बाद फिर किंग वेजिटा कहता है, मुझे स्काउटर दो। और फिर डॉक्टर किंग वेजिटा को स्काउटर ला करके देते हैं। फिर किंग वेजिटा कैकारोट की ताकत को चेक करने लगते हैं और फिर वो पाता है कि कैकारोट की शक्ति बहुत ही कम होती है। फिर किंग वेजिटा कहता है, वाकई में क्या तुम इसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे? फिर वो डॉक्टर कहता है, हाँ महाराज हम इसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। फिर किंग वेजिटा कहता है, तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, इसकी पावर तो एक नॉर्मल सैयन से भी बहुत कम है। इसके बाद फिर वो डॉक्टर कहता है, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। इसके बाद फिर किंग वेजिटा कहता है, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं, मैं समझ गया महाराज। फिर वो मन ही मन बोलता है, क्या वाकई में ये हो सकता है कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि स्काउटर फट जाए, या फिर हो सकता है वो स्काउटर ही खराब हो, मैं एक बार फिर से इस बच्चे की पावर को चेक करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कैकारोट की शक्ति को दोबारा चेक करता है, लेकिन इस बार कैकारोट की शक्ति बहुत कम होती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या वो मेरी आंखों का धोखा था? क्योंकि ये बच्चा तो काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, लेकिन कैसे?
उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोलता है, हो सकता है वो स्काउटर ही खराब हो। फिर वो डॉक्टर बोलता है, ये स्काउटर इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकते, या हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो। अगर ये बच्चा सचमुच ताकतवर होता, अभी इसकी ताकत बढ़ती हुई दिखती। खैर, हो सकता है मेरी ही गलती हो। फिर हम देखते कि हमें बारडोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूसरे प्लेनेट पर था। तभी हम देखते कि उस प्लेनेट के लोग बारडोक पर हमला कर देते हैं। इसके बाद फिर हम देखते कि बारडोक अपने साथियों को बोलता है, तैयार हो जाओ, लड़ने का वक्त आ चुका है। बारडोक और उसके दोस्त उस प्लेनेट के लोगों को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। फिर हम देखते कि बारडोक उस प्लेनेट के खास वॉरियर से मिलता है और वो बोलता है, जैसे तुम सब हमें मार रहे हो, बहुत जल्द तुम सब भी मरने वाले हो, जैसे कि हम सब मर रहे हैं। फिर बारडोक कहता है, अभी तो फिलहाल तुम मर रहे हो और किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो सैयन को मिटा सके, और हमें मारना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हम सैयन काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वो कहता है, ओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी ताकत दे दूंगा, फिर भी तुम अपने प्लेनेट को नहीं बचा सकोगे क्योंकि मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह होते हुए देखूंगा। इसके बाद फिर हम देखते कि बारडोक उससे कहता है, मुंह बंद रखो बेवकूफ, और फिर बारडोक उस पर हमला कर देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर हम तभी देखते कि बारडोक वहां पर बेहोश हो जाता है और बारडोक के दोस्त बारडोक को देख करके बोलते हैं, हे बारडोक, तुम्हें क्या हुआ, उठो बारडोक, तुम्हें क्या हुआ। फिर हम देखते कि बारडोक का एक दोस्त बारडोक को लेकर के वहां से चला जाता है और वो प्लेनेट वेजिटा पर चला जाता है। और तभी हम देखते कि बारडोक को अचानक से होश आ जाता है और फिर बारडोक कहता है, क्या हुआ, क्या हम सब ठीक है। फिर उसके बाद बारडोक का एक दोस्त कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बारडोक, हम सब ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते कि बारडोक और उसके दोस्त प्लेनेट वेजिटा पर आ जाते हैं। सभी लोग बारडोक को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बारडोक का स्पेसशिप प्लेनेट वेजिटा पर लैंड कर जाता है। और फिर बारडोक उतर करके एक सैयन से पूछता है, हे, आखिर बात क्या है, सभी सैयन को एक साथ क्यों बुलाया गया है और वो भी अचानक इतनी जल्दी, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है। फिर वो बोलता है, पता नहीं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, सारे सैयन को महाराज फ्रीजा ने एक साथ बुलाया है। इसके बाद फिर बारडोक कहता है, शायद मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ कि फ्रीजा आखिर सारे सैयन को एक साथ क्यों बुलाया है। इसके बाद फिर बारडोक बोलता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद फिर बारडोक गीने के पास जाता है और बोलता है, हे गीने, मैं घर आ गया। गीने बारडोक को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हे बारडोक, आखिर तुम घर आ गए। इसके बाद फिर बारडोक गीने से कहता है, गीने, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर गीने बोलती है, बोलो बारडोक, आखिर क्या बात है। फिर बारडोक कहता है, पहले मुझे तुम ये बताओ कैकारोट कहाँ है। फिर गीने बोलती है, वो अंदर है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। फिर बारडोक बोलता है, हाँ जरूर गीने। फिर बारडोक कैकारोट के पास जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसके बाद फिर गीने बोलती है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है बारडोक। इसके बाद फिर बारडोक बोलता है, रेडिट्स कहाँ है, वो मुझे इधर कहीं नहीं दिख रहा। फिर गीने बोलती है, वो प्रिंस वेजिटा के साथ किसी दूसरे प्लेनेट पर गया हुआ है। फिर बारडोक बोलता है, कैकारोट बहुत ही कमजोर है गीने, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इस पर गीने कहती है, हाँ बारडोक, बोलो क्या बात है। गीने, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैकारोट को यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। फिर गीने बोलती है, क्या, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो बारडोक, और हम कैकारोट को अपने से दूर कैसे भेजेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और तुमसे किसने कहा कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो गीने, फ्रीजा सभी सैयन को एक साथ बुला रहा है ताकि वो सभी सैयन को एक साथ इकट्ठा करके मार सके, क्योंकि उसे डर है कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी सैयन हो सकता है और इसलिए वो पूरी सैयन जाति को ही खत्म करना चाहता है। फिर गीने कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बारडोक, लेजेंडरी सैयन तो एक सिर्फ कहानी है। फिर बारडोक कहता है, गीने, ये हम मानते हैं, लेकिन फ्रीजा इस बात को नहीं मानता, हमें इस काम को आज ही रात अंजाम देना होगा। फिर गीने कहती है, लेकिन बारडोक, इतनी जल्दी। फिर बारडोक कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है गीने। फिर हम देखते कि बारडोक कैकारोट को एक पॉड में लेकर के रात में ही निकल जाता है। फिर गीने कहती है, हे बारडोक, हम भी कैकारोट के साथ क्यों नहीं जा सकते। फिर बारडोक कहता है, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि कैकारोट की शक्ति बहुत कम है, फ्रीजा कैकारोट की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम कैकारोट के साथ गए, फ्रीजा हम सब की ताकत को महसूस कर लेगा और फिर वो हमारे साथ साथ कैकारोट को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हम देखते कि बारडोक उस पॉड को नीचे रख देता है और कहता है, तुम बहुत ही कमजोर हो कैकारोट, लेकिन मुझे पता है तुम एक ताकतवर योद्धा जरूर बनोगे, मैं इसे अर्थ के लिए सेट कर देता हूँ, ये वहाँ पर रहेगा जहाँ पर लोग काफी कमजोर हैं, ये वहाँ पर बहुत ही आराम से रह लेगा, हमारा बेटा वहाँ पर बहुत ही आसानी से रह लेगा क्योंकि वहाँ के लोग उतने ताकतवर नहीं है।
फिगी ने कहती है, अपना ध्यान रखना कैकारोट, हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे। फिर कैकारोट अपने मॉम और डैड को देख करके रोने लगता है। फिर बार्डो कहता है, अपना ध्यान रखना मेरे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना है। कैकारोट उन्हें देख करके रोता रहता है। फिर हम देखते कि कैकारोट का पॉड अचानक से हवा में उड़ जाता है। फिर गीने बोलती है, अपना ध्यान रखना कैकारोट, हम तुमसे बहुत जल्द मिलेंगे। और ये कहकर गीने बार्डो को हक करके रोने लगती है। इसके बाद फिर हम देखते कि फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा पर आ जाता है और बार्डो उसे देख लेता है। फिर बार्डो गीने को बोलता है, तुम जाओ और बाकी को जाकर बता दो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बार्डोक फ्रीजा से लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर फ्रीजा बार्डोक को देख करके कहता है, ओह जरा देखो इसे, लगता है इसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया कि मैं इस प्लेनेट को खत्म करने वाला हूँ। इस पर बार्डोक कहता है, मैं तुम्हारी सारी घटिया चालों को जानता हूँ फ्रीजा, और मैं ऐसा तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। इस पर फ्रीजा कहता है, ओह तो तुम मुझे रोकोगे? फिर फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है, जाओ और उस बंदर को खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक बार्डोक पर हमला कर देते हैं। बार्डोक फ्रीजा के बहुत सारे सैनिक को पीटता जाता है और वो फ्रीजा के बहुत सारे सैनिक को घायल कर देता है। फ्रीजा के बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। फिर फ्रीजा के बहुत सारे सैनिक एक बार में आकर के बार्डोक पर हमला कर देते हैं, लेकिन बार्डोक फ्रीजा के सारे सैनिक को हरा देता है। बार्डोक फ्रीजा के सारे सैनिक को हरा देता है। फ्रीजा का कोई भी सैनिक बार्डोक के सामने नहीं टिक पा रहा था। फिर बार्डोक कहता है, अब तुम्हारी बारी है फ्रीजा, मैं तुम्हें अपने प्लेनेट को खत्म करने नहीं दूंगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। ये कहकर बार्डोक अपनी हमले को तैयार करने लगता है। और फिर बार्डोक कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। ये कहकर बार्डोक फ्रीजा पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से फ्रीजा को कुछ भी नहीं होता। बार्डोक ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा एक बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल तैयार करता है और वो उसे प्लेनेट वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। बार्डोक उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बार्डोक उस एनर्जी बॉल के सामने टिक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल प्लैनेट वेजिटा की तरफ लगातार बढ़ते ही जा रहा था। बार्डोक उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सारे सैयन उस एनर्जी बॉल को देखने लगते हैं। वो एनर्जी बॉल बहुत तेजी से प्लैनेट पर आ रहा था और गिने ये देखकर समझ जाती है कि शायद अब हमारा यही अंत है। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल प्लैनेट वेजिटा से टकरा जाता है और फिर वहां पर प्लैनेट वेजिटा फट जाता है। बार्डोक और सारे सैयन वहां पर मारे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बार्डोक के मरते वक्त बार्डोक के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। ऐसा लग रहा था कि बार्डोक बहुत ही चैन की मौत मर रहा है। और इसी के साथ पूरा प्लैनेट वेजिटा फट जाता है। फ्रीजा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जरा देखो इसे, कितना खूबसूरत नजारा है। और इसके साथ इस प्लैनेट पर अब कोई भी लेजेंडरी सैयन नहीं बचा। फ्रीजा अपनी खुशी में इतना मगन था कि कैकारोट का पॉड बहुत ही सामने से गुजर जाता है और फ्रीजा को पता भी नहीं चलता। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते कि फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि प्लैनेट वेजिटा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर वहाँ पर हम देखते कि दो तेज एनर्जी चमक रहे होते हैं और ये वही सैयन बच्चे थे जिनको फ्रीजा ने शुरुआत में ही मारा था।